नमस्कार मित्रों, 31 अक्टूबर के बाद आज ठीक 15 दिन के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। इस बीच दीपावली उत्सव का आयोजन हम सब लोगों ने किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट, भ्रातृ द्वितीया, छठ, सूर्य षष्ठी, गोपाष्टमी और देवोत्थान एकादशी, देवताओं का उत्थान यानी दिव्यता का उत्थान। हमारे मानव जीवन में दिव्यता आए, देवताओं का उत्थान हो, दिव्यता बढ़े, इसका प्रतीक देवोत्थान एकादशी का यह पर्व। और आज महाकाल की नगरी उज्जैन में कालिदास समारोह और देश में अनेक आयोजन हो रहे हैं। ठीक इससे पहले राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अनेक कलाकारों, साहित्यकारों, विद्वानों, समाज सेवियों को पद्म अलंकरण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सब सम्मान दिया है। उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे आज केवल दो बात करनी है आपसे, एक तो गुरु परंपरा के बारे में और दूसरी मणिरत्नमाला, जो कि आद्य शंकराचार्य भगवान भाष्यकार भगवत्पाद शंकर का ग्रंथ है, ऐसी लोक श्रुति है मणिरत्नमाला, उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले मैं जो गुरु परंपरा है उसके बारे में बताऊं और ये श्लोक आपने सुना होगा, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। और भारत तो गुरु का और गुरु परंपरा का देश है, क्यों कि ये विश्व गुरु है, था, है और रहेगा। लेकिन इस गुरु परंपरा के कुछ रहस्य है जो हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका अनुभव भी करना बहुत जरूरी है। स्कंद पुराण में गुरु गीता का पाठ महेश्वर और पार्वती के संवाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसका श्लोक हम सब कई बार पढ़ते, कई अवसरों पर पढ़ते हैं। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। यह गुरु गीता बहुत प्रसिद्ध है। और गुरु परंपरा के बारे में मैं कहूं तो अनेक प्रकार के गुरु परंपराएं हैं। सद्गुरु जो कि जीव को इस संसार सागर से पार जाने का मार्ग बताता है, उसके आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो इसके उपाय बताता है। तो इस गुरु परंपरा के बारे में अद्वैत गुरु परंपरा जो है वो है नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम। ये अद्वैत वेदांत की गुरु परंपरा का ये श्लोक है। बलदेवानंद सागर क्यों है मैं कई बार अपने आप से पूछता हूं। और बलदेवानंद सागर जो कि कभी गुजरात काठियावाड़ के भावनगर जिले के वल्लभीपुर तालुका के चमरड़ी गांव, छोटा सा है, सुंदर गांव है, उसमें पैदा हुआ। और वहां उसके गुरु श्री शिवोहम सागर जी महाराज, त्याग मूर्ति, वैराग्य मूर्ति, वो आते थे। और छोटा बलदेवानंद सागर कभी दादा के साथ, पिता के साथ, माता के साथ उनको सुनने जाता था और वे पाठ करते थे, प्रवचन करते थे श्री मणिरत्नमाला स्तोत्र का, और उसी को आधार बना के प्रवचन भी करते थे। छोटा बच्चा बलदेवानंद सागर जब उनके श्रीमुख से श्लोक सुनता था, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो मे शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपयावदैतत् विश्वेश पादाम बुज दीर्घ नौका। ये श्लोक सरल है और श्रुतिगम्य है, और इसका प्रांजल अनुवाद किया जाए तो बहुत सरलता से समझ में आता है। मैं तो कुछ नहीं समझता था तब बचपन में,
लेकिन सद्गुरु के श्रीमुख से जब ये वाणी सुनता था तो हृदय में कहीं भीतर ये होता था कि ये कौन सी बात है, कौन सी भाषा है, ये क्या है जो मुझे हृदय में स्पंदन कर रहा है, स्फूर्ति ला रहा है, कुछ याद दिला दे रहा है। और इसी मणिरत्नमाला और इसी प्रकार के श्री सद्गुरु के श्रीमुख से सुनकर श्लोकों को मुझे संस्कृत पढ़ने की इच्छा हुई और गुरु से दीक्षा लेकर काशी में मैंने अध्ययन किया। तो गुरु परंपरा का जो महत्व है उसके बारे में जितना भी कहूं, आपने कबीर साहब को सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जो गोविंद दियो बताए। तो सद्गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमको स्व का बोध होता है। गुजरात में ही ये जो गुरु परंपरा की मैं बात कर रहा हूं, कोई 250 वर्ष पूर्व मेहसाणा जिले के वसतड़ी ग्राम में माधवानंद जी महाराज हुए, एक महापुरुष हुए जो बाद में माधवानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी अहमदाबाद जिले के आकरू गांव जो कि भीमनाथ ऐतिहासिक स्थल है उसके पास में है, वहां उनकी समाधि है और प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर बहुत बड़ा आयोजन होता है। पूरे गुजरात और विदेशों से भी लोग आते हैं और उनका स्मरण करके उन्होंने जो कार्य किया। 250 वर्ष पूर्व गुजरात काठियावाड़ भारत कैसा रहा होगा और अरब समुद्र के तटवर्ती गांवों की क्या स्थिति होगी, लेकिन पूज्य माधवानंद जी महाराज जी ने अपने प्रवचन, वेदांत ज्ञान, आत्मबल, योग साधना, इन सब से वहां की जनता को शिक्षा, दुर्व्यसनों से मुक्ति और अध्यात्म बोध देकर बहुत जागरूक किया। और आज भी गुजरात काठियावाड़ सूरत बड़ौदा बंबई अहमदाबाद सभी जगह माधवानंद आश्रम है और ये परंपरा अद्भुत है। जो हमारे दादा गुरु है श्री चिदानंद स्वामी जी, उनके बारे में भी विस्तार से अलग से मैं आपको बताऊंगा। अब मैं मणिरत्नमाला के स्वाध्याय समूह के बारे में संक्षेप में आपको बताता हूं। इन्हीं सब बातों को लेकर अभी रिसेंटली कवि चिंतक विख्यात श्री प्रवीण पंड्या जी से मेरी काफी लंबी बात हुई और उन्होंने कुछ समय पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उसमें पठन चिंतन और इसकी चर्चा के बारे में काफी सफल प्रयोग रहा। तो मैंने निवेदन किया कि और कोई ग्रंथ का इसी प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप बना के स्वाध्याय किया जाए। तो उन्होंने ग्रंथ के लिए मुझे पूछा तो मैंने मणिरत्नमाला और प्रश्नोत्तर मणिरत्नमालिका जो कि 67 श्लोकों का एक और ग्रंथ, एक रचना है आद्य गुरु शंकराचार्य जी की, तो उन्होंने मणिरत्नमाला को चुना। मैंने नेट से डाउनलोड किया हुआ जो PDF का फाइल था उनको भेजा, लेकिन उन्होंने सद्यह अनुवाद करके, बहुत अच्छा अनुवाद करके उसको फिर अब शुरू कर दिया है आज से देवोत्थान एकादशी से व्हाट्सएप ग्रुप पे स्वाध्याय। तो उसका जो पहला श्लोक मैंने अभी आपके सामने रखा, अपार संसार समुद्र मध्य, तो गुरु शिष्य का संवाद, इसको प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं मणिरत्नमाला को। और मैंने देखा कि इस ग्रुप के 200 से अधिक जितने सदस्य हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने भाव, अपना अध्ययन, अपने विमर्श, अपना चिंतन भेज रहे हैं और बहुत अच्छा सफल प्रयोग हो रहा है। और बद्धो ही को यो विषयानुराग, इस प्रकार दूसरा श्लोक है जिसमें विस्तार से भगवान शंकराचार्य जी ने जो गूढ़ रहस्य है जीवन के, वेदांत के और पूरे ब्रह्मांड के जो दर्शन है उसके, उनको छोटे छोटे वन लाइनर जो हम जैसे बोलते हैं उसमें रखे हैं। बंधा हुआ कौन है? जो विषयानुरागी है, जो विषयों में 5 सेंसेस में अटैच्ड है, उसमें मोह में पड़ा हुआ है, वो बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो चिंतन प्रस्तुत किया है और चरपट पंजरी का उनकी भजगोविंदम भजगोविंदम, आगे अगर सब अनुकूलताएं रहेगी तो इस प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय समूह हम लोग बनाकर आपस में सामूहिक चिंतन मनन करेंगे और अपनी आध्यात्मिक साधना और स्वोन्नति,
अपना जो मनोबल है उसको बढ़ाएंगे और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ऊर्जा का विस्तार। और इसी प्रकार से क्योंकि समय प्रतिकूल है, कोरोना, कोविड और अनेक प्रकार के प्रदूषण के कारण जीवन जहां दुभर लग रहा है, वहां वेदांत के ये ग्रंथ हमको आश्वासन देते हैं, शक्ति देते हैं, संबल देते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।